हेलो गुड मॉर्निंग स्वागत है आपका एक और स्माइल व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घर में खुशहाल होंगे। टाइम हो गया सुबह के 5, झाड़ू पोछा कर चुकी, चाय पी चुकी हूँ, अभी कर रही हूँ लंच की तैयारी, जो कि मन में तो मैं लेके जाएंगे स्कूल में। तो आज लंच में क्या आपको बता देती हूँ, आज है भरता बैंगन का जो कि हमारे किचन गार्डन से घर में मैंने मटर उबाल दिए। मैं भून के बनाती हूँ बैंगन को, आपको पता नहीं कैसे बनाती हूँ, मतलब मेरी मम्मी को हमने भून के ही देखा बनाते हुए शुरू से ही, तो फिर सेम प्रोसीजर मैं आगे करती आई हूँ। तो मैं पहले इनको चूल्हे वगैरह में भूना जाता, अब वही बात है कि अब गैस पे भूनती हूँ। भूनते हैं तो ये अच्छे से भूनने वाले हैं, तो भी कर देती हूँ भरते की तैयारी। बना तो अभी सो रही है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा बनाने में, तो मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर। टाइम हो गया 5:30 का, और भाई मैं कितनी भी जल्दी कर लूँ मेरा वही टाइम हो जाता, कितनी भी जल्दी कर लूँ तो जा रही मैं फटाफट से नहाने। फटता ऑलमोस्ट बन चुका है, आटा लगा दिया है मैंने, उसके बाद फिर करूँगी लंच की तैयारी। लंच पैक करना बहुत काम हो जाता है, तो फटाफट से नहा लेती हूँ, पूजा कर लेती फिर। नहा चुकी हूँ, पूजा कर चुकी हूँ, और अभी कर रही हूँ लंच की तैयारी। किस किस को पसंद है कमेंट डाउन जरूर करना, तो भी बना लेती हूँ लंच और पैक कर। काम करते करते 6 बजे, 4 से 6 2 घंटे हो गए, लंच ऑलमोस्ट हमारा जो पैक हो चुका है। मतलब से ये बना ली नाश्ता, अगर दही हो कॉफ़ी पी तो बंद करती हूँ, कॉफ़ी नहीं देखती, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कॉफ़ी बहुत इफेक्ट कर रही है उसकी बॉडी पर, बहुत ज़्यादा भी, उसकी वजह से खाना खा पा रही थी कम पड़ रही। और फिर बंदा ने मुझे सजेस्ट किया कि इसकी कॉफ़ी कितनी बंद हो गई, मैंने उसे 4-5 दिन से मतलब बर्थडे के नेक्स्ट डे से इसकी कॉफ़ी बंद कर रखी, किसी को कॉफ़ी नहीं देती। नाश्ते में चाय ब्रेड या दही परांठे या दही रोटी, ये सारी चीज़ें नाश्ता भी रेडी हो चुका, हमारा नाश्ता रेडी हो चुका, लंच रेडी हो चुका, नाश्ता कर लेती हूँ, हो चुकी हूँ बदनाने वाले गर्मी बहुत है। मैं हो चुकी हूँ रेडी, और मैंने आज पहना है कॉटन का ही प्यारा सा लिबास का आउटफिट, जो कि मैंने पिछले साल मंगवाया था, और मुझे मंत्रा से रिसीव हुआ था, और ये बहुत ही प्यारा, इसका फैब्रिक भी बहुत ही सूदिंग है। और अभी मैं निकल रही हूँ स्कूल के लिए। मन्नत नाली बेटा, चल ठीक है, ओके बाय, लव यू टू। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, उठ चुकी हूँ मैं, रेडी हो चुकी हूँ स्कूल के लिए। आज हाउस यूनिफॉर्म डाल के जानी थी, बस अभी पोनीटेल वगैरह बनाई है, एंड अभी मैं जूत लगाऊंगी, देन उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। ब्रेकफास्ट में मैं परांठी और दही लूँगी, क्योंकि मेरी कॉफ़ी बंद हो चुकी है सैडली, बट ठीक है। तो फिर अभी मिलता हूँ ब्रेकफास्ट टाइम। अभी ब्रेकफास्ट इसमें परांठा और दही है, क्योंकि मैंने बताया था किस रीज़न से, तो फिर मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर मिलती हूँ। गाइस ब्रेकफास्ट कर लिया, खुशी भी आ गई थी, वो गाड़ी में बैठ चुकी है। 7:25 का ऑलमोस्ट टाइम होता है, तो 7:20 हो गए ऑलमोस्ट, तो बस अभी हम जा रहे हैं, तो फिर मैं आप लोगों को मिलती स्कूल से आने के। सो गाइस स्कूल से वापस आ चुकी हूँ, आगे मैंने चेंज वेंज भी कर लिया, बस अभी मैं देखूँगी मैं क्या खाऊँगी। ऐसे कुछ मिक्सर खाने का मन भी नहीं, बट कॉफ़ी पीने का मन है, तो मम्मी आएगी तो लेट्स उनको कन्विंस करूँगी। आज दिन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ बेटर ऑप्शन है कि मैं सो जाऊँ, बिकॉज हेडेक हो रहा है, फिर मुझे कोचिंग पे भी जाना है, तो यू नो लॉट ऑफ केओस, सो नॉट केओस बट आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट नो, बट लेट्स सी। अभी आज मैं स्कूल से उठी थी लेट, और मदद के लिए बना रही हूँ पास्ता, और मेरे लिए बनाऊंगी बादाम ले जाना भूल गई, खाली आ गए पापा के बच्चे, आपने आज ही कही थी राज ले जाना भूल गई, देख लो है? ब्रेड आ गई है हमारे, वेजिटेबल सैंडविच बनाए, कॉफ़ी आज
एक हफ्ते बाद इसको उन्होंने कॉफ़ी दी है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, बच्ची है फिर भी आज दे देती हूँ इसको मैं, कोई वो नहीं, और साथ में करेंगे हम भी बॉस इन्जॉय। कर लेते हैं अभी थोड़ा सा, ओके सो जाओ। और मैं जा रही हूँ डॉक्टर के, ये रखी, ये गई नहीं है लड़की आज कोचिंग पे, इतनी बदतमीज़ है। मैं जा रही हूँ डॉक्टर के, मेरे चेकअप पे नहीं आज तो शायद मेरा फाइनल ही वो है। कितना टाइम लग गया? देखो बता दूंगी मैं। हाँ हाँ बाय बाय। भाई आ गए हैं डॉक्टर के, बिग सब्सक्राइब मिलने आए, बट फॉर्चुनेट वो हमारे गुआंड के भी निकले, तो वो मेरी सिस्टर ही लगी छोटी, और एक प्यारा सा गिफ्ट मेरे लिए लेके आए। थैंक यू सो मच मिलने के लिए, और अभी एक वीडियो भी बनाएंगे हम, एक अच्छा सा गाना लगा देंगे। वैसे देख मैंने क्या कपड़े पहन रखे हैं। मैं एक सब्सक्राइबर मुझसे मिलने आई थी, और पता है क्या, उसको एड्रेस नहीं पता था। पीछे भी मेरे पास 2 DM आए हुए थे कि आपके घर ऐसे गिफ्ट कैसे आ गए, तो उनको ये पता था कि मैं इस सोसाइटी में रहती हूँ और मेरे घर के आगे जामुन का पेड़ है, और वो देखते ही रुक गई, और वहीं देखते ही रुक गए, और वही वो गिफ्ट लेके आए। उनका एक छोटा सा बच्चा था और बहुत ही स्वीट था वो, बिल्कुल कियान, कियान नाम था। अब्बा जब्बा डब्बा, अब्बा जब्बा डब्बा। भाई बहुत ही अच्छे, अरे बहुत प्यारा गिफ्ट है, तो ये सच में ही बहुत प्यारा है, है ना? हाँ कितना प्यारा है। ये गणेश जी हैं, क्यूट लग रहे हैं गणेश, बहुत ही अच्छे है ना, और बहुत सच में बहुत प्यारे लगे मुझे ये। एंड थैंक यू कियान, कियान्स मॉम, सॉरी भी मैं नाम तो पूछना भूल गई, सॉरी फॉर दैट, बट थैंक यू सो मच, सच में बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। अभी तक जितने भी मुझे गिफ्ट्स मिले हैं ये उनमें से दी बेस्ट है, क्योंकि ये गणपति जी है जिनकी पूजा हिंदू धर्म में सबसे पहले की जाती है। थैंक यू सो मच। ये देखो गाइस, कल भी तुम्हारी वेट कर रहे थे, कहां गए उनकी दे? मम्मी और ये दोनों बच्चे, ओ ले 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 गुल, ये देखो दूध पी रहे हैं ये दोनों पापा, बिल्ले है ये, बिल्ली है गाइस, देखो ओ ले ले कितने प्यारे बच्चे हैं ना।